हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरे काफ़ी दिन हो गए आपने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया, सब लोग इतना इंतज़ार कर रहे थे। छोटी कोई वीडियो ही नहीं थी जो मैं अपलोड करूँ। एनीवेज, तो आज हम लोग आए हैं निज़ामी स्ट्रीट पे इंजॉय करने, इंजॉय नहीं करने, देखने के क्रिसमस की क्या प्रिपरेशन है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हुई थी और ये ओपन होता है 11 बजे और क्लोज भी इसी टाइम होता है। काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे बड़े बड़े स्टॉल से, बहुत अच्छी जगह थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फूड स्टॉल थे, फूड भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छे थे। दीदी पर हम तो विंडो शॉपिंग कर आए थे, हमने इधर से कुछ खाया तो नहीं था। आप लोगों को तो पता है छोटी को मजाक करने की कितनी आदत है। एक्चुअली बाकू का वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ है, ऑल टाइम बारिश होती रहती है, इसलिए निज़ामी स्ट्रीट भी पूरी की पूरी गीली थी। इधर लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा खाने के स्टॉल थे, एक से एक बढ़ के चीज़ थी। डेकोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। दीदी अब कुछ और भी बता दें, यही बताए जाओगे क्या? ओके छोटी, बात करें इन स्टॉल की, तो इन स्टॉल को 1 साल पहले बुक करना होता है और टैक्सेस वगैरह, मतलब जितना आप कमाते हो उसका 50% तो गवर्नमेंट को जाता है एज अ टैक्स। इधर इतना रश था कि चोरी का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं था, हर जगह पुलिस खड़ी हुई थी अपने यूनिफॉर्म में नहीं, नॉर्मल कपड़ों में, हर जगह। और अगर यही पाकिस्तान में होता तो काफ़ी लोगों की जेब भी काटी गई होती, पैसे भी चोरी हो जाते। दीदी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो क्रिसमस आई है तो इतनी डेकोरेशन हो रही है, हमारी ईद पे क्या होगा? जैसे छोटी हमारी ईद होती है वैसे ये भी उनकी ईद ही होती है। मतलब यहाँ पे हर कंट्री के स्टॉल लगे हुए थे। दीदी आप छोड़ो, आप तो सिर्फ मतलब 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 ही बोलती जाओ। मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे तुर्की में टर्किश आइसक्रीम फेमस है तो वो यहाँ पे भी थी। सर मतलब सब कुछ है यहाँ पर। दीदी फिर मतलब मतलब। अच्छा सॉरी बाबा, आप नहीं बोलती। गाइस मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे आपे के हाथ ठर गए थे। सच में गाइस मेरे हाथ बहुत ज्यादा ठर गए थे। सो यहाँ पे अब तक का जो सबसे अच्छा स्टॉल था वो मुझे ये वाला लगा, क्योंकि बंदा कॉस्ट्यूम पहन के मछलियाँ फ्राई कर रहा था। दीदी फ्राई तो नहीं कर रहा था, वो तो मछलियों को पका रहा था। यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हुआ ये कि अब मेरे से छूट गया छोटी का हाथ और छोटी घूम गई इस रश में। अब छोटी को तो पता नहीं था उसने जाना किधर है, तो हम लोग उसे ढूंढ ढूंढ के हमारा उसने सारा टाइम बर्बाद कर दिया। पूरा इवेंट हमने पूरी एक एक जगह देख ली पर छोटी का अता पता नहीं। जब हमने सारी जगह देख ली, एक एक कोना देख लिया छोटी को ढूंढने के लिए, तब बाद में पता चला कि जो छोटी मैडम है वो खड़ी हुई थी एंट्री गेट पे, तो हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। दीदी मैं तो आप लोगों को एंट्री गेट पे ढूंढ रही थी, आप लोग वहाँ पे तो मिले नहीं, फिर मैं अंदर आई तो आप लोग बाहर चले गए, फिर मैं बाहर गई तो आप लोग वहीं पे खड़े हुए थे। चलो खैर जो भी था, घूम गई, हमने ढूंढ लिया, लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग एहतियात करना अगर इधर रहो तो, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे का हाथ छूट गया तो बच्चा ढूंढना मुश्किल है। और ये फनी सी चीज़ तो देखो यार, एक्चुअली मैं इंस्टॉल की प्रिपरेशन नवंबर से भी पहले की हो रही है, अक्टूबर से हो रही है और अब जाके स्टॉल खुले हैं, और क्रिसमस पे तो भाई यार यहाँ पे डबल ट्रिपल रश होने वाला है। दीदी पान धूप के बात करो। छोटी मैं पानी खाती। एनीवेज यहाँ पे गेम्स भी थी, फूड स्टॉल भी थे, और ये गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ते की थी, बट थी उच्च मनात की, यानी कि 3 मनात की। और यहाँ पे मिल गई थी हमें छोटी। दीदी मैंने आपसे बात कर दी। ओके तो यहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा सेल्फीज खींची थी, सेल्फी का एरिया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी पिक्चर्स आई थी, और अगर आप सुबह के टाइम आओ तो डबल अच्छी पिक्चर आएंगी।
और फिर मैं इधर उधर देख रही थी और मुझे नज़र आया जाइंट ट्री। मैंने कहा चलो यार इसके पास जाके भी आप लोगों को सीन दिखाते हैं। और यार ये इतना बड़ा था, पूरा सजा सवरा था। और ये सेंटा क्लॉस को तो देखो बहुत बड़ा ट्री था। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ट्री थी, वो ये थी कि आप इन सब के साथ सेल्फीज खिंचवा सकते हो, पैसे नहीं लगेंगे। हमने इनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और पैसे ज़रा भी नहीं लगे। और यहाँ पे ये जाइंट सा फेस, ये खुखान था, मतलब इसके अंदर कोई डोना था, भूत बंगला था। दीदी ये तो बिल्कुल आपकी तरह था। एट लास्ट यहाँ तक था इवेंट। ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी दूर तक था, मतलब इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन ठीक था। और ये गेम बेश मनात की थी। दीदी बेश मनात कितने होते हैं? 5 मनात होते हैं छोटी। और यार इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद किसे भूख नहीं लगती, तो हम लोग गए थे पैरिडी कैफ़े। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कैफ़े था तो हमने सोचा इधर का विज़िट कर लेते हैं। अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। और अगर आप लोग इस पैरिटी कैफ़े में मेरे चैनल का नाम बताते होने तो वो आप लोगों को 15% डिस्काउंट भी देंगे। दीदी झूठ तो मत बोला करो। मैं सच में कह रही हूँ छोटी, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आप लोग मेरे चैनल का नाम उन्हें दिखाओगे तो आप लोगों को 15% डिस्काउंट मिलेगा। फिर देन हमने यहाँ की आजरी टीपी जो कि 3-4 पत्तियों से मिक्स थी, और इसके साथ हमने खाया अंगूर का मुरब्बा। ये अंगूर पे आई थिंक हनी डाला हुआ था, तो शहद डाला हुआ था अंगूर पे, तो वो ऐसा बना था, काफ़ी ज़्यादा मीठा था। और इसके साथ खाना बहुत ज़्यादा लाजवाब था। हमने चिकन खाया था और फ्राइज़ खाई थी, जिसकी वीडियो मैंने नहीं ली। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। बाय बाय।